मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूँ। जी सर। सर, जय अग्नियत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूँ? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूँ मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूँ ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूँ। जय, अकेले क्या कर लोगे, कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं बस, और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। सर, जय, जय मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। जय, मैं सिंह साहब से कुछ बात करना चाहता हूं, तुम बाहर इंतजार करो। ये आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी इन हरकतों से आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो सुर्खियां पढ़ो। निलंबित सेना अधिकारी जय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की हत्या की, गृह मंत्री दशरथ सिंह नए मुख्यमंत्री, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, भविष्य है, क्योंकि इस अखबार को पढ़ने के लिए कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। हम सब मारे जाएंगे। चलो जाओ, पकड़ो, जल्दी जाओ, चलो सब लोग पीछे जा रहे। सर, ये जब हादसा हुआ था आप वहीं थे, वहां आखिर हुआ क्या था? ये शख्स जिसका नाम मेरे ख्याल से जय अग्निहोत्री है, सीएम साहब ही उसे साथ में लेकर हमारे यहां आए थे। ऑल सेट टू लीव, अंजलि तुम्हारी पैक। उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए। एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए, यहां चोट देखिए, मुझे भी लगी। He's a terrorist, आतंकवादी है वो। सिर्फ पागल नहीं है वो, अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। झूठ बोल रहा है ये। जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं।